अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ और ये है कटाकट। नॉर्मली कटाकट बाज़ार से खाया जाता है, ऑर्गन मीट से बनता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इसमें मैंने चिकन शामिल की है, मगज़, दिल, गुर्दे के अलावा हम इसमें चिकन का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा माइल्ड भी हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि ऑर्गन मीट्स काफ़ी कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ होता है, तो हम इसको थोड़ा माइल्ड कर देंगे जब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। हम इसमें बकरे का मगज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप बड़े का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बकरे का ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इसको नॉर्मली बड़े तवे पे इस्तेमाल पकाया जाता है, और इसके स्पेशली स्पैचुला होते हैं जो इससे कटाकट कटाकट की आवाज़ आती है, इसीलिए इसका नाम कटाकट है। लेकिन हम इसको घर में बना रहे हैं तो मैं आपको अपने घर में मौजूद चीज़ों से बताऊंगी कि किस तरह आप इजीली बना सकते हैं और घर में एंजॉय कर सकते हैं। बाहर के लिए थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं, पता नहीं किस तरह पकाते हैं, तो आप ये चीज़ें घर में बना कर एंजॉय कर सकते हैं और आपको बाज़ार जैसा ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, हम बना रहे हैं कटाकट और बहुत इजी और सिंपल वे से कि हमको उसके लिए उसके स्पैचुला और बड़े तवे की ज़रूरत नहीं है, हम ये कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने कीमा लिया है जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अगर आप तवे पे बना रहे हो तो आप इसे छोटी बोटी भी कर सकते हैं। एक मगज़ लिया है जिसे मैंने नमक और थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/8 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के उबाल लिया है। ये दिल और गुर्दे हैं, दो गुर्दे और एक दिल है। इसको मैंने 1 कप पानी में 1/2 चम्मच लहसुन अदरक डाल के और इसे खूब अच्छी तरह जोश दे लिया है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। तो ये हमने इस तरह इसको प्रिपेयर कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके अलावा तेल है 1/2 कप, दही हमने लिया है 1/2 कप, मक्खन हम ले रहे हैं 50 ग्राम, हरा धनिया जितना आपको पसंद है 3, ये हरी मिर्चें हैं जिन्हें हम मोटा मोटा डालेंगे, 1 बड़ी प्याज है जिसे मैंने चॉप किया हुआ है, टमाटर हैं 250 ग्राम, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर होते हैं तो 250 ग्राम बन जाता है। ये तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा मसाले, धनिया पाउडर हमने लिया है, लेंगे हम 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च हम लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी हम लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च हम लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, वैसे मैं 1 टीस्पून डालूंगी, फिर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम इसमें मज़ीद कर लेंगे। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून जाएगा। ये गरम मसाला है, होममेड है इसलिए हम 1/2 टीस्पून डालेंगे, अगर आपका बाज़ार का हो तो 1 टीस्पून कर लीजिएगा। इसके अलावा ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, अजवाइन है 1/2 टीस्पून जिसे मैंने पीस लिया है, चाट मसाला 1 टीस्पून, लहसुन अदरक 2 टीस्पून। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने तेल शामिल कर दिया है, उसको उसमें सबसे पहले हम लहसुन अदरक डालेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि लहसुन गले नहीं, और लहसुन अदरक के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। हमने मगज़ भी बॉईल कर किया हुआ है और हमारा जो दिल और गुर्दे हैं वो भी बॉईल हैं, बस चिकन हमने रखी थी तो हम पहले इसको पका देंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसे तेज़ आंच से पकाना है ताकि चिकन का जो जूसेस है वो लॉक हो जाए। ये लीजिए नाज़रीन, चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले ये प्याज, टमाटर,
भी शामिल करें। आँच हमारी अभी भी तेज़ ही है, जब ये थोड़ा सा पकने लगेगा तो हम इसमें ये दिल और गुर्दे भी शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए अब हम इसे ढक कर रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और आँच हम इसकी फिर स्लो कर देंगे। आँच हमने स्लो कर दी है और अब हम इसको ढक्कन लगा कर जी नाज़रीन 5 मिनट गुजर रहे हैं, मैंने आपके सामने इसका ढक्कन लगाया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले दही। अभी आँच हल्की ही है और बाकी मसाले, सबसे पहले हम डाल रहे हैं हल्दी 1/2 टीस्पून, के बाद हम डाल रहे हैं काली मिर्च ये भी 1/2 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून, बाद में हम चखके इसमें अगर इजाफे की ज़रूरत हो तो हम इजाफा भी कर लेंगे। लाल मिर्च हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 2 टीस्पून बल्कि टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला गया। अब हम इसे मिक्स करेंगे और आँच तेज़ कर देंगे। अब मैंने जो आपको मैंने जो चमचा लिया है वो आपको मैं दिखा दूँगी आगे से, ये स्ट्रेट है, अगर ना भी हो तो किसी भी चमचे से फिर आप इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह कुचल सकते हैं। जो गुर्दे और दिल के पार्ट हैं इनको स्पेशली, और अब हम इसमें मक्खन भी शामिल कर रहे हैं और इसको मैं ये आँच मैंने फुल कर ली है क्योंकि अब मुझे बस इसको, अगर आपके पास ऐसा चमचा ना हो तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इनको दिल और गुर्दों को भी आप चॉपर में एक दफ़ा चला लें तो उससे आपके जो दिल और गुर्दे हैं वो भी वैसे हो जाएंगे जैसे कुटे हुए, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएं, एक दो उसको उसमें चला दें, राउंड चला दें। अब हम इसमें साथ में आधा मक्खन भी डाल रहे हैं, 50 ग्राम है और मैंने अभी 25 ग्राम डाला, लास्ट में बिल्कुल मैं बाकी का 25 ग्राम डाल दूँगी। इस तरह जब हम चमचे से दबाएंगे तो ये, क्योंकि हमारे पास वो वाला स्पैचुला नहीं है तो इसलिए हमने इसके छोटे टुकड़े कर दिए थे पहले, हम तेज आंच पे इसी तरह चलाएंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो हैं गुर्दे और सब चीज़ें बिल्कुल मैश हो चुकी हैं और मैंने इसी तरह बस खड़े चमचे के साथ इसको कटाकट किया। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, पहले से हरी मिर्ची इसलिए नहीं डाली थी मैंने कि अगर पहले से डालेंगे और उसको इतना ज़्यादा हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए। अब हम इसमें ये चाट मसाला, अजवाइन और ये सूरी मेथी इस तरह हाथ में लेके इसे अच्छी तरह
रगड़ के क्रश कर लें आप। थोड़ा सा हरा धनिया, फिर बस आप कंटिन्यूस चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे से लगे नहीं और ये इसका ऑयल बाहर आ जाए। लीजिए नाज़रीन, ऑयल इसका बाहर आ गया है और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा कटाकट। आज हम इसका बिल्कुल आखिर में ये जो बाकी का मक्खन बचा था हम वो भी इसमें शामिल करके और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये लीजिए ना, ये मिक्स हो गया और हमारा कटाकट बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार कटाकट तैयार है ईजी वे में, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बताया। थोड़े ये इंग्रेडिएंट्स इसके लेंथी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बग़ैर मज़ा भी नहीं आता। तो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। कोई बात अगर आपको मुझसे पूछनी है, बतानी है या कोई फरमाइश करनी है तो ज़रूर आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। मैं कोशिश करती हूँ कि इजी से इजी रेसिपीज आपको सिखाऊं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।